हाँ जी बेटा, वी हैव टू स्टार्ट विद द नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मेरे पास बिटवीन द क्या दिया हुआ है हमारे पास टू लाइन्स, है ना, तब मुझे देख के ही पता चल गया कि लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 3D मेरे पास होंगे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 6i, मेरे पास होंगे हाँ जी 6, मेरे पास होंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स मेरे पास जो है आई माइनस 2j प्लस 2k, ओके, एंड दूसरी जो है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स जो है 3i माइनस 2j माइनस 2k, ओके, तो देखा जाए तो ये कैसी फॉर्म है, r वेक्टर इज इक्वल टू a कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b कैप, ऐसी फॉर्म है ना। तो हमने जो है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला किया हुआ है, एस डी इज इक्वल टू जो है b1 क्रॉस मेरे पास b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये तब लगता है अगर मेरे पास क्यू लाइंस हो, तो सबसे पहले चेक करें पैरेलल लाइंस तो नहीं है ये, अगर मैं देखूं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ये b1 वेक्टर है ये b2 वेक्टर है, तो दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यही चूज किया। तो अब मेरे पास जो है ये b1 है बेटा, ये b2 है मेरे पास, ये a1 वेक्टर दिया हुआ है और ये मेरे पास b जो है a2 वेक्टर दिया हुआ है, ओके, सबसे पहले b1 निकालिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, कैसे बताया था क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, सबसे पहले b1 यानी इसके डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 2 2, फिर b2 3 माइनस 2 माइनस 2, फिर a2 माइनस a1, यानी इन दोनों के वैल्यूज को माइनस करते जाइए, i वाले को जब माइनस किया तो ये बन गया माइनस 10, j इधर गया ही नहीं तो माइनस 2 और k इधर से इधर माइनस किया तो माइनस, ओके, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका डिटरमिनेंट दिया सर ये ऊपर वाला, फिर ये b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 जो है दैट इज इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ i j और k, फिर b1 मेरे पास जो है 1 माइनस 2 2 और ये 3 माइनस 2 और माइनस 2, ओके बेटा क्लियर, समझ आ गई सबको, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड वो आपको निकालना आता है, दोनों वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 10th, इसमें क्या लिखा हुआ है, दे जस्ट राइट हियर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो द पॉइंट्स, दे जस्ट मेंशन कि लाइन थ्रो द पॉइंट्स, मेरे पास होंगे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 3 5 1 6 5 1 6 एंड द सेकंड पॉइंट इज 3 4 1, लाइन थ्रो द पॉइंट दिस क्रॉसेस द मेरे पास जो है YZ प्लेन, बेटा मेरे पास बोला गया है कि ऐसा पॉइंट निकालिए जहां पर YZ प्लेन को ये लाइन पास करती है, कट करती है, क्रॉस करती है, मान लीजिए ये प्लेन है
ये प्लेन वाई जेड प्लेन, इस पे एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, यानी यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो दैट मीन्स 100% एक्स क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। मेरे पास ये प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी कि वाई जेड प्लेन है तो 100%। तो फिर क्या करेंगे अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालें, है ना। मेरे पास टू है वो क्या बनेगी बेटा, मैंने ये पॉइंट फिक्स कर लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, तो एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये माइनस टू आ गया, फिर वाई माइनस वाई वन ओवर फोर माइनस वन कितना हो गया बेटा, थ्री हो गया। उसके बाद जो है जेड माइनस सिक्स ओवर वन माइनस फाइव, मेरे पास कितना आया, माइनस फाइव आया। ओके बेटा, ये लाइन की इक्वेशन है। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है ना इस पॉइंट का जहां वो वाई जेड को क्रॉस कर रही है, तो लेट इट बी लैम्डा से। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू, या मैं सिंपल पॉइंट लिख रही हूँ, तो टू माइनस टू लैम्डा प्लस फाइव, थ्री लैम्डा प्लस वन, ये उधर गया तो माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स, मुझे ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, मेन एम तो मेरा यही। तो ये कैसे निकालूं, मुझे स्टेटमेंट में दिया है कि वाई जेड प्लेन है, अगर वाई जेड प्लेन है तो 100% बेटा मेरा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस इट पासेस थ्रू दिस प्लेन, तो दैट मींस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू 5/2 होगी, बस। देयरफॉर मेरे पास पॉइंट क्या हो गया, आप लैम्डा पुट कीजिए, मेरे पास ये तो 0 ही हो गया, जब यहाँ लैम्डा 5/2 पुट किया तो 15/2 प्लस 1 17/2 हो गया, यहाँ लैम्डा 5/2 पुट किया तो माइनस 25/2 प्लस 6, और ये 12 हो गया, और 12 माइनस कर देते हैं तो माइनस 13/2। चेक कर लेना कैलकुलेशंस, मैंने जो है स्पीडली चेक की। ओके बेटा, अल्टीमेटली मुझे ये पॉइंट ही निकालना था, तो वो कैसे निकाला, पहले लाइन की इक्वेशन, वहां से जनरल पॉइंट, वो किसको सेटिस्फाई करता है, प्लेन को सेटिस्फाई करता है, प्लेन की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0, तो मैंने x को 0 पुट कर दिया, मतलब यहाँ पर ये x की वैल्यू इधर आएगी ना, वो इक्वल टू 0, वहां से लैम्डा, लैम्डा निकल आया तो सब कुछ निकल आया। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आ गई, एनी डाउट टू एनी वन। हाँ जी बेटा, राघव, कनुबा, चंदन, कार्तिक, समयंक, क्लियर बेटा सबको, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी चाइल्ड, ओके ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास हो गए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सॉरी 12 में, सेम क्वेश्चन है मेरे पास, उन्होंने क्या अब कहाँ गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द प्लेन, है ये 10th 11th ऐसे क्वेश्चन, बट अब एक प्रॉपर प्लेन दे दिया, पर करना तो वैसे ही आपको, आपके पास जो है उसने कहा है कि ऐसे पॉइंट की वैल्यू निकालिए जो एक लाइन पे तो है, लेकिन वो किसको पास कर रहा है, प्लेन को पास कर रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन हो गया ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो पहले टू पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे, फिर जनरल पॉइंट निकालोगे और प्लेन में पुट कर दोगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा वापस रिप्लेस कर दो, सेम 10th 11th 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसमें 10th में हमने वाई जेड प्लेन किया था तो एक्स इज इक्वल टू 0, 11th में नहीं छोड़ दिया बिकॉज सेम क्वेश्चन था, वहां पर जेड एक्स प्लेन था तो वाई इक्वल टू 0, और 12th में बिल्कुल सेम है, यहाँ प्लेन की इक्वेशन दी है, दो पॉइंट्स ही है, करना तो वैसे ही। ओके बेटा जी, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 13th क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया हुआ है पेपर में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आई एम डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 13 नाउ।
हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस प्लेन। देखिए मैंने बना दिया और वो क्या कर रहे हैं कि दो प्लेन्स पे परपेंडिकुलर है। देखिए ये दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है मेरे पास में, और वो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव और एक थ्री एक्स प्लस जो है मेरे पास थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। मैं बार बार बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ, जब भी कभी आपको बेटा एक प्लेन पे एक पॉइंट दिया ना, ये याद रख लीजिए एक प्लेन पे एक पॉइंट दिया, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने मेरे पास तुमने प्लेन की इक्वेशन ऐसे बना लीजिए, बी इंटू मेरे पास तुमने वाई माइनस थ्री और प्लस सी इंटू जेड माइनस टू इक्वल टू सी, क्योंकि ये मैंने लगाया a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ओके, अब दूसरी बात मेरे पास, अब ये वाली प्लेन की ये इक्वेशन है, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे ना, वो क्या होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स ए इंटू वन प्लस मेरे पास बी इंटू टू टू बी प्लस मेरे पास हो गए सी इंटू थ्री थ्री सी इक्वल टू जीरो, सेम इसके भी परपेंडिकुलर है, तो थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये तीन इक्वेशंस हैं, तीनों में ए बी सी है जो अननोन है जो मैंने कैलकुलेट कर ली, एक मेथड तो ये है आप इन दोनों इक्वेशंस को लीजिए ए बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लीजिए, ए बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लीजिए और यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए, सी सी कॉमन आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, आपके पास तीन इक्वेशंस हैं ए बी सी में, डिटर्मिनेंट मेथड आता है ना, आप क्या करो तीनों के कोफिशियंट लिख दो इक्वल टू जीरो, कैसे ए बी सी छोड़ देना बाकी सारे कोफिशियंट लिखने, एक्स प्लस वन वाई माइनस थ्री जेड माइनस टू वन टू थ्री 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 वन, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए, जब आप इसको डिटर्मिनेंट खोलोगे इक्वल टू जीरो वो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। आप सीधा भी लिख सकते हो, अगर आपने ये नहीं लिखा, वैसे तो लिखना चाहिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू मेंशन इट कि ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, तो लाइन ये हो गई सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स, तो ये कंडीशंस दोनों हो गई। तो उसके बाद इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आप सीधा कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो कीजिए और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, उस आंसर एक्स वाई जेड में ही आए। ये बात समझ आई सबको बेटा, नहीं तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जैसे आप टेंथ में करते थे एक्स वाई के लिए सॉल्व करते थे, इलिमिनेशन मेथड लगा लो, आप इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करो माइनस करो ए खत्म हो जाएगा, बी का आंसर इन टर्म्स ऑफ सी आएगा, फिर बी की वैल्यू इसमें पुट करना ए का आंसर इन टर्म्स ऑफ सी आएगा, आप यहाँ पुट करोगे सी सी अपने आप खत्म हो जाएगा, ये आप पे है आप कैसे सॉल्व करते, इज इट क्लियर बेटा, ठीक है जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है 14th क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन द 14th क्वेश्चन लेट अस सी, ठीक है पहले रीड करते हैं, ये 13th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है जी, चलिए मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14th। हाँ जी बेटा, इफ द पॉइंट 11p एंड माइनस 301 मेरे पास 11p
एंड माइनस थ्री जीरो वन, ओके जी। बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये दोनों पॉइंट्स जो है प्लेन से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सपोज दिस इज अ प्लेन, ये पॉइंट ये डिस्टेंस और ये पॉइंट ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो उन्होंने कहा है कि पी की वैल्यू निकालो और मेरे पास जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है ना वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, आर डॉट दैट इज मेरे पास हुए थ्री आई माइनस मेरे पास लिखा हुआ है दैट इज फोर प्लस फोर जे माइनस ट्वेल्व के प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, ओके बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट मैं माइनस थ्री जीरो वन ले लेती हूँ, इसको वन 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 ले लेती हूँ। आपको पता है पॉइंट से एक प्लेन पे डिस्टेंस, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, मैंने आगे भी बोला था एक्स आई जे के की जगह पे आप एक्स वाई और जेड लिख दीजिए प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, ये कार्टेशियन फॉर्म। अब इस पॉइंट का इस पे डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकालते हैं, मेरे पास टू है, पुट करूंगी एक्स की जगह पे माइनस नाइन, ये जीरो हो गया और ये माइनस ट्वेल्व हो गया, ठीक है, प्लस थर्टीन, और नीचे क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्केयर, कोफिशियंट ऑफ वाई का स्केयर और कोफिशियंट ऑफ जेड का स्केयर, दैट इज इक्वल। अब इस पॉइंट का लेंगे तो पुट करूंगी मेरे पास थ्री प्लस फोर माइनस ट्वेल्व पी प्लस थर्टीन ओवर मेरे पास टू, सेम कोफिशियंट तो सेम ही आएंगे, ये और ये तो कट ही गया, ओके बेटा। तो अब मेरे पास उधर क्या बचा, लेट अस सी, हाँ जी, यहां पर मेरे पास जो है ये माइनस ट्वेंटी वन और ये प्लस थर्टीन माइनस एट, तो एट हो गया, एट मॉड इज इक्वल टू, इधर बेटा क्या बचा मेरे पास सेवन और ये ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व भी। अब यहां बच्चे क्या गलती करते, दोनों तरफ मॉड है ना, एक तरफ हटाओगे तो प्लस माइनस दूसरी तरफ लगेगा ही, हमने दोनों तरफ इकट्ठे हटाने, तो 20 माइनस 12 पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके पी की वैल्यू से गुणे का, ओके बेटा जी, बात समझ आई सबको कि नहीं, एनी डाउट टू एनी वन, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम प्लस टू सी, कोई भी बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं करता, मैम बोल रहे हैं सिर्फ राना, ऑलवेज राना और रसिका, बस दो बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, बात बाकी सो रहे हैं, सम्यांक कार्तिक चंदन राघव, हाँ जी दमन दिव्यलीन, ओके चंदन भी कभी कभी कर देता है, बिल्कुल सही है, चलो दैट्स गुड, चलिए अब बाकी लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 15th, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मैंने बार बार आपको कहती हूँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आए तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो, ये तो आना ही आना, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्लेन, अब मैं सीधा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखूंगी, पहले प्लेन की इक्वेशन दी हुई है मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, और सेकेंड प्लेन की इक्वेशन मुझे दी हुई है दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस मेरे पास जो है जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ओके ये मेरे पास प्लेन की एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसने बोला कि ये जो प्लेन है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पहले तो हम ये प्लेन देखें कैसे बनेगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स, अब मेरा एम होता है लैम्डा की वैल्यू निकालना, तो उसने दे दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
पहले हम यहां पर लिखे फर्स्ट प्लेन एक्स वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ओके दिस इज माय फर्स्ट प्लेन, ठीक है, जो मैंने लिखना है यहां अननोन लैम्डा। अब खुद सोचिए ये प्लेन है, ठीक है, उसने कहा ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, मैंने आगे भी आपको बोला था एक लाइन एक प्लेन हो, बोला पैरेलल गया तो कंडीशन परपेंडिकुलर की लगती है, क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर ये लाइन इसके पैरेलल है नॉर्मल का परपेंडिकुलर इधर होगा ऐसे, ठीक है, ये और ये लाइन, तो अपने आप देखो लाइन और नॉर्मल आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना, तो कंडीशन परपेंडिकुलर की लगे। मैं बार बार ये बात समझाती हूँ, दो प्लेन पैरलर है तो पैरलर की कंडीशन, दो लाइन पैरलर है तो पैरलर की कंडीशन, बट एक लाइन और एक प्लेन पैरलर है तो कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की लगती है। ओके जी, कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की लगती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास तो है पहले कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर ले, वन प्लस टू लैम्डा इंटू एक्स, फिर आगे वन प्लस थ्री लैम्डा इंटू वाई प्लस जेड की, मेरे पास जो है वन माइनस लैम्डा इंटू जेड, फिर मेरे पास माइनस वन प्लस फोर लैम्डा इक्वल टू, ये मेरे पास है। अब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस, कोसाइंस हमें पता होते हैं वो क्या होते हैं, वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो, यही होते हैं। अब क्या कंडीशन होगी क्लियर कट की, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, ये तो है जीरो जीरो, तो बस इसी के साथ वन प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन बाय, बस ये निकालना होता है कहीं ना कहीं, लैम्डा किसी तरह निकालना, तो बस अब लैम्डा को रिप्लेस कर दो, चाहे यहां कर दो चाहे यहां कर दो, डजंट मैटर, पुट द वैल्यू बैक ऑफ द लैम्डा एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन? चले बेटा आगे, सबको क्लियर है? कार्तिक, समयंक, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम समयंक जैन, समयंक इज इट क्लियर टू यू? ओके गुड बेटा, चलिए हाँ जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 16th, व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 16th, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16th बेटा, क्वेश्चन नंबर 16th, हाँ जी, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी that is given to me, that is 1, 2, minus 3. Then find the equation of the plane passing through point P. एक plane एक point से pass कर रहा है, मैं बार बार ये चीज repeat कर रही हूँ, कुछ ना हो सिर्फ आपको एक point दिया ना और plane की बात हो रही है, तो 100% हम ये ऐसे वाली equation लिखते हैं, 100% जब भी एक point की बात की जाए ना तो प्लेन की इक्वेशन पहला काम तो कर ही दो ना बेटा, ये भाई यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन मुझे वन टू माइनस थ्री, इतना स्टेप तो लिखना ही है, आना ही आना है, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा, एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, ये जो प्लेन है ना वो ओपी के परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट तो है ही है, ओ यहां पर, देन व्हाट डज इट मीन, अगर वो परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो नॉर्मल होगा या नॉर्मल के पैरेलल होगा, यही चीज है ना, तो दैट मींस इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस वही होंगे जो प्लेन के होंगे, ओरिजिन मुझे दे दिया है जीरो जीरो जीरो, मैं इस लाइन के पर जो है डायरेक्शन रेशियोस निकाल सकती हूँ कैसे, माइनस करके, वो वन कॉमा टू कॉमा माइनस थ्री है, वही प्लेन के होंगे, तो यहां पर मैंने जो है ए बी सी की जगह पे आई यूज वन टू माइनस थ्री और पॉइंट की जगह पे वन टू माइनस, किसी ना किसी तरह वो निकलता ही निकलता है बेटा पॉइंट अपने आप और डायरेक्शन को साइंस या रेशियोज, तो मैं पुट करूंगी तो मेरे पास वन
एक्स माइनस वन, और बी मेरे पास लूंगे वाई माइनस टू, और सी की वैल्यू माइनस थ्री और जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर. बस ये चीज मैं आपको कह रही हूँ बार बार याद करनी कि अगर एक प्लेन एक पॉइंट से पास आउट होता है, डायरेक्शन को साइंस या रेशियो किसी तरह आपको मिल ही जाएंगे, आप मैनेज कर सकते. ओके बेटा चले आगे, सबको क्लियर है यहां तक? रसिका क्लियर बेटा? दिव्यालीन, दमन, इज इट क्लियर टू यू? चले आगे बेटा, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 17. नाउ व्हाट इज रिटन हियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. अब आप बताओगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स तो कैसे स्टार्ट करो? हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताइए हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. अगर मुझे बार बार आता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, हाँ जी किसी को नहीं पता है? हाँ जी राणा, रसिका, कनुभा, चंदन. हाँ जी राणा अनम्यूट कीजिए. पाई वन प्लस लैम्बडा पाई टू इक्वल्स टू जीरो. बिल्कुल, जो है पी वन प्लस लैम्बडा टाइम्स पी टू इक्वल टू जीरो, या पाई वन भी कोई लिख देता है वो प्लेन की इक्वेशन के नाम को पाई वन नाम दे देता है, डजंट मैटर. तो मेरे पास जो है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम्स है सेकंड प्लेन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट प्लेन, उसने एक और दिया. फिर वही एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन की बात हो रही है, 100% कंडीशन भी कौन सी लगेगी? परपेंडिकुलरिटी की, और लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी. बस बस वो एक ही कॉन्सेप्ट है जो है पैरेलल परपेंडिकुलर का, वो आपको दिमाग में आना चाहिए. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज रिटन इन द स्टेटमेंट कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. उसने कहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, और पॉइंट दिया माइनस वन, माइनस फाइव एंड माइनस टेन. दैट इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन. अब ये ध्यान से सुनिए बेटा, उसने कहा कि मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कहां पर? जहां पर एक प्लेन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर. इमेजिन कीजिए ये एक प्लेन है, मैं अपने हैंड को हमेशा प्लेन की तरह एक्ट करती हूँ, ठीक है? यहां पर कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है. मेरे पास जो है ये एक लाइन है, जब ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो टेढ़ा भी कर सकती है, सीधा भी, ऐसे कहीं पे भी पास कर रही है, तो जहां वो पास कर रही है मेरे जो है पाम के सेंटर पे, है ना, मुझे ये पॉइंट चाहिए. तो क्या करते हैं, लाइन से कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं, वो प्लेन पे सेटिस्फाई कराते हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाती है, मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं. ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है. अब देखो मेरे पास सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है लाइन की, मैं हमेशा कार्टीजन फॉर्म लिखना प्रेफर करती हूँ, ठीक है, मैंने आगे भी आपको ये बात कही थी, उससे कैलकुलेशन थोड़ी मुझे ईजी लगती है. लैम्बडा इंटू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन एंड प्लेन दिया हुआ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द प्लेन इन कार्टीजन फॉर्म. ओके, दिस इज माय प्लेन. तो फर्स्टली आई विल कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टीजन फॉर्म. तो एक्स माइनस टू बाय थ्री, वाई प्लस वन बाय फोर, और जेड माइनस टू बाय टू, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा. ओके जी, अब ये लैम्बडा है, तो यहां से कोई भी जनरल पॉइंट निकालेंगे, एक्स इज वो, मैं सीधा जनरल पॉइंट लिख रही हूँ, थ्री लैम्बडा प्लस टू, इसको इक्वेट करके, ठीक है, कॉमा फोर लैम्बडा माइनस वन, देन टू लैम्बडा प्लस टू. ओके बेटा, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू? मेरे पास तो है ये पॉइंट
किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेन पे, यानी इस पे सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो यहां लैम्डा वापस पुट करोगे तो ये पॉइंट आ गया। अब दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। क्लियर बेटा? ठीक है जी। अब बेटा सेम आपके पास होंगे क्वेश्चन नंबर 19 and 20 दैट आर इजी एंड बेस्ड ऑन द सेम। ओके, आई विल स्टार्ट डूइंग नाउ द क्वेश्चन नंबर 21st, दैट इज टाइम हो गया, कोई बात नहीं, लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक टुमारो। टुमारो देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लास एट 8:25, बी रेडी फॉर दैट, और प्लीज डोंट नाउ मिस योर क्लासेस बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, सो गेट रेडी फॉर द टॉपिक, प्लीज डोंट मिस दैट। ओके,